हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खेतन केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड। यह कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 70 रुपये के आसपास अभी के टाइम चल रही है ये कंपनी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही छोटा मतलब माइक्रो कैप कंपनी आप देख सकते हैं। 700 750 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्स है, सबसे पहले ही कहना चाहूँगा। तो इसका अगर मैं मैक्सिमम चार्ट दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं 7500% के आसपास रिटर्न दिया है। वो भी आप देख सकते हैं कहाँ से लिस्ट हुआ है, 1995 से। तो एक साइड बेस पैटर्न ही फॉलो करते हुए नज़र आएगा। तो उसके बाद जो रैली पकड़ा था, तो रैली के अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा सेल्स इंक्रीज़ हुआ था और प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा खासा जम देखने को मिला था। और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा वो बुल मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर दिया था। तो अभी के टाइम जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब गिरावट दिखा चुका है। अगर मैं टॉप लेवल से अभी तक कैलकुलेट करके बताऊँ आपको तो लगभग 50% के आसपास डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अभी के टाइम थोड़ा सा रिकवर हुआ है, फिर भी 50% डिस्काउंट है, बोला तो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट दे चुका था। 60% 65% के आसपास गिरावट दिखा चुका था। तो ओवरऑल देखा जाए तो 5 साल की बात करें तो देख सकते हैं आप 400 से लेकर 500% का रिटर्न दिया है। मतलब दोनों साइड से ही थोड़ा सा रहेगा, एक में रहेगा रिस्क और एक में रहेगा रिवॉर्ड, ठीक है। तो छोटा कंपनी में यही एक फ़ायदा है, तो रिवॉर्ड मिलेगा, उसके साथ साथ आपको रिस्क भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। 1 साल की बात करें तो देख सकते हैं लगभग 40% के आसपास डिस्काउंट चल रही है और 6 महीने में अभी मतलब 2% रिटर्न दिया है, मतलब कुछ भी नहीं है। और 1 महीने में 3% रिटर्न और 5 दिन की बात करें तो 2% डाउन है। चलो ठीक है, पहले हम फंडामेंटल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ, आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर कंपनी तो क्या बनाती है, फार्मर के लिए जो एग्रोकेमिकल में जो केमिकल यूज़ होता है वो सब केमिकल ये कंपनी मतलब बनाती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं आवर प्रोडक्ट के अंदर आऊँ तो आप देख सकते हैं तो किस किस सेगमेंट में काम काज करती है। तो देख सकते हैं केमिकल में काम काज करती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र में भी तो अच्छा खासा काम करती है, उसके साथ ही साथ इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद देख सकते हैं आप पैकेजिंग, तो यस पैकेजिंग में काम करती है, पावर में भी काम करती है और उसके साथ ही साथ सोया, बोलो तो सोयाबीन ऑयल तो आपने सुना ही होगा, सोया में भी आपको कामकाज देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा डिसेंट देखने को मिल रहा है इसका बिजनेस, ठीक है। छोटा कंपनी है, रिस्क तो रहेगा। इसके साथ ही साथ चलिए देख लेते हैं इसका फंडामेंटल कैसा है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप मार्केट कैप, तो मार्केट कैप कितना है, लगभग 700 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा कंपनी है। तो स्टॉक पी अभी कितना है, 19 का देखने को मिल रहा है, तो इंडस्ट्री पी 10, बोले तो थोड़ा सा महंगे दामों पर मिल रही है इंडस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। तो ROC की बात करें तो 15% और ROE की बात करें तो 13 से लेकर 14% का ROE दिखा रहा है। तो इसके बाद डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड थोड़ा सा देती है, 0.40% के आसपास डिविडेंड ये ले। इसके साथ ही साथ फेस वैल्यू की बात करें तो ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है कंपनी, तो एक का फेस वैल्यू देखने को मिल रही है, ओके। इसके बाद देख लीजिए डेट, देख लीजिए तो डेट की बात करें तो 230 करोड़ का डेट है, तो डेट टू इक्विटी 0.78%, बोले तो डेट की वजह से फेलियर के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 8% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो अभी तक मतलब नेगेटिव में चल रही है। तो 1 साल से मतलब देख ही सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से नीचे आया स्टॉक, तो इसी वजह से प्रॉफिट नीचे आया, ठीक है। तो नीचे आया प्रॉफिट तो शेयर प्राइस में भी डाउन चलेगा। तो चलिए इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, 40 करोड़ से भी ज़्यादा नेट कैश फ्लो मौजूद है। रिजर्व्स देख लीजिए अब लगभग 300 करोड़ का रिजर्व्स है, ठीक है। तो 700 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी में 300 करोड़ का रिजर्व्स बोलो तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी देख सकते हैं 16 करोड़ का कैश भी मौजूद है। और एक बात मुझे अच्छी लगी है जो कि प्रोमोटर होल्डिंग, आप देख सकते हैं 75% स्टेक पूरी की पूरी मतलब प्रोमोटर अपने हिस्सेदारी को बरकरार रही है, वो भी इतना 1995 से, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 26 साल होते जा रहे हैं, फिर भी प्रोमोटर इसमें 75% स्टेक होल्ड करके बैठी हुई है। तो उनमें से देख सकते हैं फ्लेजिंग जीरो है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। तो 5 साल की बात करें सेल्स की तो 20% है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 83%, तो प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। पे रेशो की बात करें तो 0.24%, इसके बाद करेंट रेशो भी 1.5% के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 साल का ROE देख सकते हैं 18% और ROCE की बात करें तो 19% और OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 8 से 9% का OPM दिखा रहा है। तो इसके बाद अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जंप करूँ तो आप देख सकते हैं 2019 की बात करें तो 43 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो बढ़ के कितना हो गया 46, उसके बाद सीधा 60 करोड़, उसके बाद 123, तो 123 से कितना हो गया सीधा 78, बोलो तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। तो गिरावट किस वजह से आया है तो आप देख सकते हैं सेल्स में 480 करोड़ का सेल्स हुआ करता था 2021 की बात करें, 2022 में कितना 824 करोड़, तो इस बार जो डाउन चला गया है ना देख सकते हैं आप सेल्स में कोई कमी नहीं आई है, 824 से लेकर 888, बोलो तो सेल्स इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट नीचे आ गया। तो 700 करोड़ का जो एक्सपेंस था अभी के बढ़ के कितना हो गया है 810 करोड़, बोलो तो एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, इसी वजह से प्रॉफिट में डाउन साइड आ गया है। तो इसके बाद देख सकते हैं 8 करोड़, ठीक है, नेट प्रॉफिट आया है, उसके बाद सीधा 15 करोड़, 25 करोड़, 80 करोड़, अभी के टाइम हाफ हो गया, सीधा 42 करोड़ के आसपास। तो इसके बाद EPS की बात करते हैं, EPS के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा 8% से भी ज़्यादा और 4%, सीधा सीधा हाफ दाम पे अभी तक आ चुका है, ठीक है। तो
इसके बाद देख लेते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की। आप देख सकते हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी, दिसंबर की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13 करोड़ से सीधा 17 करोड़, तो जंप देखने को मिला है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप देखने को मिला है। आप देख सकते हैं मार्च 2022 में कितना था, 6 से लेके 7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि बढ़ के कितना हो गया, 16.5 से लेके 17% पकड़ लीजिए, 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं आप लगभग 3 करोड़ से सीधा 9.5 करोड़, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 7.5 से लेके सीधा 9.5 करोड़। तो अच्छा खासा जम देखने को मिला है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। बैलेंस शीट के अंदर आ जाते हैं, बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए रिजर्व्स कितना है, 280 करोड़ का रिजर्व है। तो बोरोइंग कितना है, 230 करोड़। तो 230 करोड़ बोरोइंग में से 200 करोड़ सीधा सीधा शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ 24 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग को ज़्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब 6 महीने या 1 साल के अंदर पे आउट करना पड़ता है, मैंने हर वीडियो में आपको बताया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है। ओके, तो प्रोमोटर होल्डिंग में भी आपको देखने को मिलेगा 75% स्टेक प्रोमोटर के पास है। तो इसके बाद पब्लिक के पास सीधा 25%, FII और DII कुछ है ही नहीं, तो बहुत ही छोटा कंपनी है ना, तो इसी वजह से बड़े इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद और एक बहुत ही बड़ा पैराग्राफ दिखाना चाहूँगा, तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखिए, 10 साल की बात करें 7%, 5 साल में 20%, 3 साल में 27% और 1 साल में 8%। और प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है कंपनी, 10 साल में 38%, 5 साल में 83%, 3 साल में 35% और 1 साल में अभी नेगेटिव में चल रही है। CAGR भी डिसेंट है, बहुत ही अच्छा CAGR प्रोवाइड कर रही है, 19% 10 साल की बात करें तो, 5 साल में 40%, 3 साल में 124% और 1 साल में 40% डाउन है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा है, 2 डिजिट में देखने को मिल रहा है, 10 साल में 11%, 5 साल में 18%, 3 साल में 22% और 1 साल में 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड कर रही है। तो सेल्स भी अच्छा खासा डिसेंट देखने को मिल रहा है, उससे अच्छा है प्रॉफिट ग्रोथ, तो जैसा सेल्स हो रहा है उससे भी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है कंपनी, ठीक है। तो इसके बाद CAGR भी अच्छा खासा ग्रोइंग मोड में चल रही है, उसके साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिसेंट है बोला तो, ठीक है। तो इसके बाद भी देख सकते हैं आप पेयर कंपैरिजन, तो पेयर कंपैरिजन में भी आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर कंपनी है, सेक्टर और इंडस्ट्री दोनों साइड से ही फर्टिलाइजर है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरे दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।